अम्मा शारदा, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। लौकी की खीर बना दे, बहुत दिन हो गए खाए हुए। उचित है अम्मा। अरे वाह लौकी, चल दा मिल ले, लौकी का हलवा बना देना। उचित है, हम खीर भी बना देंगे और हलवा भी बना देंगे और साथ में लौकी के पकौड़े भी बना देंगे, ये हमारे लिए है। और आप बताइए, कुछ विशेष व्यंजन खाने की इच्छा हो तो? वैसे आप रहने दीजिए, खीर हलवे और पकौड़े के बाद लौकी बचेगी ही नहीं। ए बंधु। क्यों रामा, आनंद ले रहा है ना गृह सुख का? तेरी पसंद का ही कुछ नहीं बनने वाला है। चुप कर। उठा लो। कुछ बनाओगी तो उठाऊंगा ना। थैला उठाओगे तो बनाएंगे ना। थैला उठा लो, इतने विशेष व्यंजन बनाने हैं उसके लिए घर में पर्याप्त सामग्री नहीं है, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, दूध, मेवा, ये सब आप मंडी से जाकर ले आओ। नहीं नहीं, मैं आज थक गया हूँ, मंडी मंडी नहीं जाऊंगा। तुम लौकी की सब्जी बना लो। मैं ले आऊंगा। लामा तू मुझे धन दे दे। अरे तू अभी गुरुकुल से आया है ना, थोड़ा विश्राम कर। लामा मैं लौकी के हलवे के लिए विश्राम त्याग सकता हूँ, दे। ये सारे त्यागी महात्मा मेरे घर में भरे पड़े हैं। ये ले। कंजूस सेठ बाला चंद्रू की लौकी तुझे महंगी पड़ गई रामा। गिलने से बचा लिया, मैं तो ये सरलता से कर रहा था, परंतु अचानक मेरा संतुलन बिगड़ा और ये मेरे हाथ से फिसल गया। ओ मटके वाले, प्रारंभिक विजय पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। तूने दो तीन बार मटका गिरने से बचाया, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तू हर बार बचा लेगा। निरंतर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निरंतर प्रयास। हाँ उठा लो उठा लो। देखा, ये भी कह रही है कि मेरे ज्ञान का लाभ उठा लो उठा लो। नहीं, थैला उठा लो और रसोई घर में जाओ और व्यंजन खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा कोफ्ता खाने का मन है? आपके मन में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, हम आपकी अर्धांगनी जो है। देखा बंधु, इसे कहते हैं गृहस्थी का आनंद, जहाँ बिना कहे ही मन की बात पूरी हो जाती है। मैं कब गृहस्थ बनूंगा रामा? कभी नहीं। भस्म कर देंगे, अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे तुम्हें। अधिक मत बोलिए गुरुजी, अब इतना तो ये पंडित विद्याधर भी जानते हैं कि आप अपने मंत्रों की शक्ति से भुट्टे भी नहीं सेक सकते, मनुष्य को क्या खाक भस्म करेंगे। तुम्हें किसने बोला भीष्म बोलने के लिए? तथा और तुम सुनो विद्याधर, तुमने अभी तक गुंडप्पा को गुरुकुल से निष्कासित क्यों नहीं किया? प्रधान अध्यापक का पद मिलते ही विचार बदल गए क्या तुम्हारे? हमारा आदेश भूल गए? मत भूलो, एक चुटकी में खेल समाप्त कर देंगे हम तुम्हारा।
मुझे बार बार धमकी मत दो। मैं गुंडप्पा को गुरुकुल से निकालने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पर सदैव किसी ना किसी कारण की वजह से वो वार चूक जाता है। गुंडप्पा को जुहा में दोष अवश्य है, पर रामा के समान वो चतुर है। मैं उसे निकाल कर आपको सूचित कर दूंगा, पर मुझ पर दबाव मत डालिएगा। अच्छा, ये तेवर है आपकी विद्याधर जी? उचित, हम महाराज को तुम्हारी सत्यता बता देते। जाइए जाइए, बताइए उनको। अधिक से अधिक क्या होगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। परंतु मैंने आपके षड्यंत्रों की सूची महाराज को दे दी तो वो आपके साथ क्या करेंगे सोच लीजिएगा। गुरुवार, आपके इस नेक कार्य के पीछे का उद्देश्य मुझे ज्ञात है, और मुझे ये भी ज्ञात है कि विगत कई वर्षों से आप रामा को विजयनगर से निकालने का षड्यंत्र रच रहे हैं और बार बार विफल होते रहे हैं। देखो विद्याधर, हम एक ना एक दिवस अपने इस प्रयास में अवश्य सफल होंगे। गुरुवर, हम भी उसी प्रयास में सफल होने के लिए ही कह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गुंडप्पा को गुरुकुल से निष्कासित करने में मैं सफल रहूंगा। तब तक आप धैर्य रखिए। प्रणाम। बस एक बार ये गुंडप्पा गुरुकुल से निष्कासित हो जाए, फिर ये विद्याधर हमारे किसी काम का नहीं, इसके भी पर काट देंगे हम। हमें धमकी देता है मूर्ख। शालदा, हलवा बहुत अच्छा है, तनी कॉल दो ना। गुंडप्पा, हलवा समाप्त हो गया है। कोई बात नहीं, खील दे दो। उचित है। गुंडप्पा, तेरी भूख तो बहुत बढ़ गई है। घर आते ही तो भोजन ऐसे करता है जैसे प्रातः से भोजन ना किया हो। गुंडप्पा बड़ा हो रहा है, ऐसे में भूख पड़ जाती है। इतनी? तो अभी तक इतना खाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा गुंडप्पा, आज गुरुकुल के भोजन में जो दिया कैसे लगा? बहुत ही स्वादिष्ट मेंदू वड़े थे। मेंदू वड़े? मेंदू वड़े नहीं, हमने तो तुझे खिचड़ी दी थी आज। क्षमा करना, कल दिए थे ना मेंदू वड़े? कल भी नहीं, कल तो उत्तपम था। परसों? गुंडप्पा तो गुरुकुल मेंदू वड़े कभी भी नहीं लेकर गया है। क्या हुआ, इतना विचलित क्यों है तू? गुंडप्पे, क्या हुआ, तू गुरुकुल में भोजन करता भी है या नहीं? हाँ हाँ। नहीं। तू क्यों, बात क्या है, और तू इतना भयभीत क्यों हो रहा है? मैं गुरुकुल में एक भी दिन भोजन नहीं खा पाया, मेरा सारा भोजन गुरुवर खा लेते। गुरु होते ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं वो? गुंडप्पा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, भोजन नहीं। मैं इस बात को भलाना नहीं चाहता। मैं कल ही महर्षि विद्याधर से बात करता हूँ। नहीं लामा, ये मेरी समस्या है, इसका निराकरण भी मैं ही कर लूंगा। तू गुंडप्पे, तू गुंडप्पा उचित कह रहा है। गुंडप्पा, कल से तेरे गुरुजी तेरे भोजन की ओर देखेंगे भी नहीं। आज जब गुंडप्पा के गुरुजी इस मिर्च मिले लड्डू को खाएंगे, तब पता चलेगा कि बालक का भोजन छीनने का क्या परिणाम होता है।
लड्डू। अम्मा के लिए बनाए होंगे। तो क्या हुआ, कंजूस अम्मा के एक लड्डू तो खा ही सकता हूं। ये ले लो, अम्मा शहद का होगा। खट्टा लग रहा है अम्मा को क्या? हाँ, मुंह जल गए दोनों के। शारदा, लड्डू में मिर्च कोई डालता है क्या? मिर्च वाली लड्डू क्यों बनाई? शत्रु है अम्मा, शत्रु। देख लो, अपने पुत्र वधु के कारण अपने पुत्र को सताती हो ना। ये है तुम्हारी पुत्र वधु, तुम्हें मिर्च वाले लड्डू खिला के तुम्हारी जान लेना चाहती थी, बता रहा हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं अम्मा, हमने नहीं किया। ये लड्डू तो गुंडप्पा के गुरु महर्षि विद्याधर के लिए विशेष तौर पर बनाए गए थे, आप लोगों के खाने के लिए नहीं थे। वो गुंडप्पा का भोजन छीन कर खा जाते है ना, इसे खाने के पश्चात नहीं खा पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कहीं इसके गुरु ने इसे गुरुकुल से निष्कासित कर दिया तो। क्या बोलकर निष्कासित करेंगे? क्या आपको लगता है कि महर्षि विद्याधर ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, मैंने गुंडप्पा का भोजन छीन कर खाया और उसमें मिर्ची डाली हुई थी? देखा, अम्मा भी कह रही है कि उचित है। नहीं नहीं, मुझे तो ये अनुचित लग रहा है। हाँ हाँ, ये अनुचित है। दप्पा, ये लड्डू अपने गुरु को अवश्य देना। शारदा की मेहनत पर पानी मत फेर देना। खाकसार को शरीफा कहते हैं। दो दिन के बाद ये मणि भांप बनकर हवा में उड़ जाएगी और उसी के साथ उड़ जाएंगे कृष्णदेव राय के होश। चलो बुद्धिदास, अपने गधे के कानों पर पट्टी क्यों बांधी है? ये क्या किया तुमने? हैं? अब भुगतो। बुद्धदास! अरे कैसा दुष्ट गधा है ये? क्या बोल रहे हो तुम? अब भुगतो तुम भी। ये भी यहीं आ रहा है। हमें बचाइए इससे, हमें बचा लीजिए। अरे माफी मांग लो बुद्धिदास जी से, माफी मांग लो। हमें क्षमा कर दीजिए। अरे मैं बुद्धिदास नहीं हूँ। तो बुद्धिदास कौन है? ये बुद्धिदास को शांत करने का यही तरीका है। जल्दी करो, माफी मांग लो इनसे। माफी मांगो, हमको क्षमा कर दीजिए बुद्धिदास जी। शांत बुद्धिदास, शांत। अब समझ में आया
बुद्धिदास जी के कानों पे कपड़ा क्यों बांधा था मैंने? चलो बुद्धिदास, चलते हैं। कमाल है, गधे को गधा कहो तो चिढ़ जाता है, सारे फूल खराब कर दिए, गधा कहीं का। कल तुम्हारे कारण मुझे पूरा दिन क्यारी बनाने का कार्य करना पड़ा। इसका प्रतिशोध मैं तुमसे शीघ्र लूंगा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु भाई। प्रणाम। क्या मुझे एक ही कार्य के लिए प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ेगा युद्धवीर? नहीं गुरुवर, आज मिला भोजन मत लान कीजिए गुलवल। लड्डू, मुझे अति प्रिय है। गुलु जी, आज आप मिला भोजन मत लान कीजिए। आज तो मैं इसे अवश्य खाऊंगा। तुमने पूर्व कभी आपत्ति नहीं जताई, तो आज आपत्ति क्यों जता रहे हो? पूर्व कभी चालता ने भोजन में भलवल कल मिर्ची भी तो नहीं डाली थी ना। गुंडप्पा, तुम्हें अध्ययन करने की बहुत लालसा है ना? आज आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अपितु मैं आज तुझे पढ़ा पढ़ा के तेरी दुर्गति कर दूंगा। महाराज कृष्ण देव राय की। महाराज, आपको जो कुछ भी बोलना हो हमें संकेत दे दीजिएगा, हम सब समझ जाएंगे। उसकी आवश्यकता नहीं होगी महामंत्री जी। महाराज का कंठ ठीक हो गया। महामंत्री जी, दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, चंद्रपुर राज्य का एक राजदूत यहाँ उपस्थित हुआ, वो आपके समक्ष आने की अनुमति चाहता है। अनुमति है महाराज।